ट्रेलर का बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। विद इन 1 डेज में 10 मिलियन व्यू हो चुके हैं, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है पहले तो ये बताएं। देखिए, सबसे बड़ी फिल्म है इस साल की, बहुत बड़ा स्केल है टाइगर जिंदा है का, तो ऊपर से सलमान भाई हैं, कटरीना है, YRF की बिगेस्ट प्रॉपर्टी है, आलिया बा ज़फ़र वापस आ रहे हैं सुल्तान से, तो ये रिस्पॉन्स तो होना ही है। इट्स गुड टू सी, इट्स गुड टू हियर द नॉइज़ एंड द बज़, एंड ऑल्सो इट्स द मोस्ट अवेटेड फिल्म ऑफ द ईयर। आपके किरदार के बारे में थोड़ा बताइए, क्या प्ले करते हैं आप? तो एक रॉ एजेंट मैं प्ले कर रहा हूँ जो मिशन पे जाते हैं टाइगर के साथ, जो 25 नर्सेज हैं उनको सेव करने। ये एक बहुत ही अजाइल, स्विफ्ट और शार्प इंडिविजुअल है। ही इज़ वेरी वेल ट्रेन्ड इन गन फाइट, इन बॉडी कॉम्बैट, इन एक्सप्लोसिव। ये टेक्निकली एक सेकेंड इन कमांड ही हो जाते हैं टाइगर टीम। तो ये ऐसा एक किरदार है जो ही इज़ मोर ऑफ मैन ऑफ एक्शन एंड लेस ऑन वर्ड्स। एक एटीट्यूड है, बहुत ही पॉजिटिव किरदार है थ्रू आउट, लेकिन ही इज़ एक श्योरिटी है। वो श्योरिटी कभी कभी ऐसा लग सकता है कि थोड़ा एरोगेंस है, लेकिन वो वैसी बात नहीं है, एक एटीट्यूड है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा सलमान सर के साथ? एक्सपीरियंस तो बहुत ही बढ़िया रहा, मतलब कि इट्स समथिंग आई विल ऑलवेज चेरिश। 98 डे के स्केड में मेरा उनके साथ 65-70 डे का स्केड रहा है। फॉर मी टू बी एसोसिएटेड विद हिम, वर्क विद हिम, मैं तो ये फिल्म इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आलिया बा ज़फ़र का कि वो पिंक देखने आए और उसकी वजह से मुझे ये मौका मिला टाइगर में। और इट वॉज डिस्कस्ड, आदि सर एंड सलमान भाई बोथ वर इन म्यूचुअल अग्रीमेंट, और फिर मुझे इस फिल्म में दिया गया। फॉर मी द बिगेस्ट थिंग इज़ टू शो माई वर्क टू अली, सॉ पिंक सो ही सॉ माई वर्क, बट आई वॉन्ट सलमान सर टू सी माई वर्क, सो ये एक मौका मिला है। ही सीन मी ऑन स्क्रीन, अब सलीम अंकल भी देखेंगे, पूरी YRF की टीम देखेगी, आदि सर देखेंगे। सो फॉर मी, मेरा मकसद ऑफ डूइंग सच अ बिग फिल्म इज़ टू शो केस माई बॉडी ऑफ वर्क मोर टू द इंडस्ट्री। सलमान सर फिटनेस आइकॉन भी जाने जाते हैं हमारी इंडस्ट्री के, और आप पहले से भी फिट और फिट दिख रहे हैं, तो कितना एक्सपीरियंस कुछ शेयर किया बॉडी फिट्स के लिए, कुछ टिप्स या ऐसा कुछ? देखिए, वो उनके साथ रह के तो पत्थर भी सीख जाता है। तो ज़रूर हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, ट्रेनिंग भी करी। एक 30 साल की तो मेरी उम्र नहीं है जितनी 30 साल का उनका फिल्म इंडस्ट्री में काम है, एक्सपीरियंस है। दिस इज़ 30th ईयर रनिंग। सो ऑब्वियसली जो वेदर इट इज़ लाइफ और अबाउट फिजिक, वो ही इज़ द फर्स्ट पर्सन हु ब्रॉट फिटनेस इन टू सिनेमा, अगर आप देखा जाए तो उतना उनको नॉलेज है। सो फॉर मी टू जस्ट, आई हैव ट्रेन विद हिम, डिड मैनी सेशंस उनकी, ही पुट मी थ्रू हिज ट्रेनिंग, ही मोनिटर्ड माई डाइट। वहाँ बात सिर्फ वहीं नहीं ख़त्म हुई, आगे जाके हमारी इतनी अच्छी उनके साथ एक ट्यूनिंग बैठी कि ही इज़ इवन मोर कंसर्न कि आगे जाके अब मैं क्या काम करूँ। टाइगर जिंदा है जब भी मूवीज नाम आता है तो उनके एक की फैक्टर है, वो है एक्शन सीक्वेंस, जी और बहुत ही देखा जाए तो वो कंपेयर एज कंपेयर हॉलीवुड से की जा रही है, तो आपको लगता है कि ये मूवी एज अ कंपेयर की जा सकती है हॉलीवुड से? क्यों नहीं, यहाँ के हॉलीवुड के स्टंट मास्टर्स हमारी फिल्म पे काम करके गए हैं, टॉम स्ट्रटर उनकी टीम, उन्होंने हॉलीवुड में बहुत बड़ी फिल्में करी हैं, लाइक बैटमैन, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, डंकर्क, तो ये फिल्मों का उनका शेयर रहा है। अब टाइगर जिंदा में आए, उनकी टीम के साथ हमने ट्रेनिंग करी, अब जो एक्शन आप देखेंगे बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होने वाला है, इट विल बी एट पार विद एनी बिग हॉलीवुड। साहब कितना लकी बंदे के देखा जो पिंक मजे में आपने कभी साहब के साथ काम किया, टाइगर जिंदा है में सलमान, और मुझे मूवी में भी आपने करना के साथ काम किया, टाइगर जिंदगी नाम जिंदगी में आलिया के साथ भी आपने स्टेज के किया शेयर किया, तो कितना लकी मानते हैं आप और क्या क्या सीख पाए उंगली में इससे? सर संजय दत्त साहब भी थे, इमरान हाशमी जी भी थे, रणदीप हुड्डा भी थे, नेहा धूपिया भी थी, तो वो कास्ट बहुत बड़ी थी। करण जौहर साहब की फिल्म थी, रेंसम डी सिल्वा ने डायरेक्ट करी थी, वो मेरी वहाँ से मैं नोटिस हुआ था उस पिक्चर में। हालांकि वो पिक्चर का इतना बॉक्स ऑफिस रजिस्ट्री नहीं हो पाई, लेकिन दैट फिल्म वॉज अ वेरी गुड फिल्म। यस, आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि आई हैव वर्क विद वेरी बिग नेम्स, आफ्टर उंगली पिंक में मिस्टर बच्चन है, डियर जिंदगी में आलिया है, सलमान भाई कटरीना है। यहाँ से मैं निकल के वापस से जा रहा हूँ एक और फिल्म में जिसमें दिलजीत दोसांझ और तापसी वापस से हैं। सो इट्स बीन अ गुड जर्नी, आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क विद सच बिग नेम्स, क्योंकि इन जितने बड़े लोगों के साथ जुड़ता है आपका नाम, उतने ही और लोग आते हैं आपका काम देखने। तो मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, मेरा तो अभी शुरुआत ही है, मेरी 5 साल हुए इंडस्ट्री में, मेरी 7वीं फिल्म है, तो फैंस
फैन बेस तो बहुत दूर की बात है, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि इंडस्ट्री में लोग मेरा भी काम देखें। नहीं सर अभी तो मैंने भी नहीं देखी, अभी तो अभी सिर्फ डबिंग चल रही है, लेकिन 22 दिसंबर से पहले शायद 18 या 19-20 को हम देख लेंगे पिक्चर। तो मैं चाहूँगा कि मेरे पिताजी भी देखें, वो ज़रूर देखेंगे, उन्होंने पिंक भी देखी, इट्स एड एज भी देखा। तो ये एक अलग ही तरीके की फिल्म है, ये बहुत ही लार्ज स्केल पर फिल्म बनी है, शॉट बिटवीन एक्सटेंसिवली बिटवीन मोरक्को आबू धाबी ऑस्ट्रिया, तो स्केल बहुत बड़ा है। सो इट विल बी नाइस फॉर हिम टू सी इट, बिकॉज का कहना है कि अब आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स दी ऑडियंस आफ्टर पिंक कि आप काम अच्छा करो और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड काम उठाना, तो टाइगर वैसी है। तो इट्स अ ग्रेट स्टोरी ऑन पेपर, इट्स बीन ट्रांसलेटेड वेरी वेल, जितना भी देख पाए हैं डबिंग में या ट्रेलर में, जितना लोगों ने निहारा है ट्रेलर में। सो नाउ अब जो है वर्डिक्ट निकलेगा 22 दिसंबर। तो आपके डैड की क्या रिव्यू रही है आपके तरफ, जैसे आपने मूवी जो चॉइस कर रहे हैं? तो बस यही कहते हैं कि भैया नालायक से लायक बनने की कोशिश कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। सो वो जर्नी रहेगी तो वन स्टेप एट अ टाइम, धीरे धीरे आगे आओ, लोग आपको पसंद करें, बस मेहनत करते रहो, वही मेरी एक हमेशा से एक मेरा संकल्प रहा है। सर एक्टर ही रहते, ये एक्टर बनने की कोशिश कर रहे होते, लेकिन स्पोर्ट्स में काफ़ी रुचि थी, मुझे मास्टर शेफ़ में काफ़ी रुचि है, तो शायद मास्टर शेफ़ में एक राउंड मार के आता। और इसके अलावा आप बायोपिक भी कर रहे हैं हॉकी के साथ, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे? अभी तो बहुत 29 जून की रिलीज़ तो आ ही गई है, सोनी की पिक्चर है, सोनी स्नेहा रजानी हमारे प्रोड्यूसर हैं, शाह अली साहब डायरेक्टर हैं, उन्होंने खुद लिखी है ये कहानी, चित्रांगदा भी प्रोड्यूसर है सी एस फिल्म्स, दिलजीत के साथ काम करके बहुत पहला मौका है। आई बीन अ बिग फैन ऑफ दिलजीत दोसांझ, मैंने उनकी सारी पंजाबी फिल्में देखी हैं, उनके मैं गानों का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, जिस तरीके से वो अपने म्यूज़िक वीडियो शूट करते हैं, बहुत इंटरनेशनल लेवल के तरीके से लेकर जाते हैं अपने म्यूज़िक वीडियोज़ को, एक बहुत अच्छा स्वैग है उनके एटीट्यूड में, इज़ वन पर्सन हुज़ गॉट द टर्बन बैक, एज अ बीइंग अ सिख एज अ मेन लीड इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट, और बहुत ही प्यारे और अच्छे इंसान। जी बहुत अच्छा सीन है सलमान भाई और वो मैंने डब में देखा, मैं चाहता हूँ कि जब वो क्लाइमैक्स के तौर में आता है तो वो सीन मेरा आई विल टेक होम, दैट्स माय फेवरेट सीन इन द फिल्म फॉर माय सेल्फ, बिकॉज बहुत ही एक हार्ट वार्मिंग इमोशनल सीन, एट द सेम टाइम एक्शन चल रहा है साथ, सो इट्स गुड, दैट इज़ वन मोमेंट दैट आई विल टेक माय। 22 दिसंबर को आ रही है, मुझे क्या कहने की ज़रूरत है, वो लोग खुद जाके देखेंगे बिकॉज सलमान भाई की पिक्चर है, उसमें से मेरा भी एक किरदार है, प्लीज़ आप लोगों की वजह से जब आप देखने जाएंगे तो आपको मैं भी दिखूँगा, तो अगर जो भी हो प्लीज़ टच बेस, आई एम ऑन ट्विटर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक वगैरह, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ बताइएगा, नहीं भी लगे तो ज़्यादा बताइएगा ताकि हम और मेहनत करके बेटर हो पाए आप लोग।